चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, जिंदगी के खेल में मोहब्बतों की रेल में सब मुसाफिर चल पड़े हैं, किस नगर किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। हेलो, ये शोर कैसा है यार? मैं बाहर आया हूँ जरा। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें आउटिंग की पड़ी हुई है। अरे भाई, मैं घर से बाहर आया हूँ, कोई मुल्क से बाहर थोड़ी आ गया हूँ। बैलेंस खत्म हो गया था इसलिए मैं इजी लोड करवाने के लिए आ गया। यहाँ हालात खराब से खराब तर हो रहे हैं, लेकिन तुम इजी लोड कराकर इजी हो जाओ। एक बात तो बताओ, ये किस बंदेलिया से बात करने के लिए इजी लोड करवाया है? तुमसे? क्या तुमने मुझे बंदरिया कहा? अरे भाई, मैंने तो सिर्फ तुमसे कहा है, बंदरिया तो तुमने खुद लगाया है। और मैं कौन सा पंजाब में रहती हूँ जो तुम्हें मुझसे बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ गई? अरे यार, जब तक चाची का चेक खत्म नहीं हो जाता फोन पर ही बात करेंगे ना हम। हाँ, ये बात तो है। अच्छा बात सुनो, वो बाबर भाई आए थे, मसला हल हुआ? फिलहाल तो कोई मसला हल नहीं हुआ यार। खैर, मैंने तुम इसलिए कॉल की थी, मैंने तुम्हारे लिए ऑमलेट बना कर रखा है कि चलना है, याद से खा लेना। तुम कितनी अच्छी हो यानी। हाँ हाँ, अब ज़्यादा मस्का मत मारो और जल्दी से मेरे फ़ोन पे इजी लोड करवाओ। तुमने बैलेंस क्या करना है? सारा लोड तुम पे ही खर्च होता है। यार मैं सोच रहा हूँ कि पूरे महीने का पैकेज करवा लेते हैं, मुझे पता नहीं ये वर्ल्ड वॉर कब तक चलेगी। हाँ ठीक है। जी अम्मी आई। जो कॉल मत करना जब तक मैं फ़ोन ना करूँ, ठीक है? ओके ओके ओके। जी यार, वो महीने का पैकेज कर दें, इंटरनेट भी हो उसमें, एसएमएस भी हो जाए। पूरे महीने का है? हाँ महीने का। आओ मेरी भी तो सुन लो ना, मेरी गल तो सुनो। हाँ है, फोन ही कट दिता। ऐनी नी, ऐनी इधर आ। जी अम्मी। इधर मारा के। जी अम्मी, जी अम्मी, जी अम्मी, इधर आ ना। जी अम्मी दी बच्ची, मैंने ऐदा साबा जी नू काल किन्ने कीती सी। अब्बा जी तो मर नहीं गए, कब्रिस्तान में भला कौन फोन कर सकता है? नहीं तू पागल तो नहीं है जी? मैं तेरे अब्बा जी दी नहीं, अपने अब्बा जी दी गल कर रही हूं। भाई मुझे क्या बता, मेरे पास उनका नंबर थोड़ी है। मगर हुआ क्या है? होना की थी, उन्होंने फोन करके मैंने इतना डांटे है, इतना डांटे है। किस बात पे? ओही लड़ाई वाली गल पे। मतलब लड़ाई खत्म? और लड़ाई नहीं खत्म, इस कार से हमारा दाना पानी खत्म। क्या कह रही है अम्मी, क्या मतलब? मतलब है कि आज रात को ना हमने इस कार को छोड़ के जाना है। मगर अभी किराएदारों को घर खाली करने का नोटिस भी नहीं दिया था। बस जो मर्जी हो जाए, पावे मुझे किराए का कार लेके रहना पड़े, मगर जाना तो आज रात को ही है। मगर इतनी जल्दी किराए का घर मिलेगा कैसे? ए तेरा मसला नहीं है, मेरा मसला है, समझ गई ना? चल तू जा, जाके ना अपने कपड़े लत्ते पैक कर। एक और गल, ए गल ना तेरे मेरे अलावा किसी होर नु पता ना लगे, जे किसी नु पता लगा ना मैं तेरिया लत्ता तोड़ दा। नाना अबू को कॉल वाली गल? ओ नहीं, आज रात नु इस घर नु छड़न वाली गल। जी अम्मी। अम्मी अम्मी कहाँ जा रही है? ये आपका कमरा है, मैंने बाहर जाना है। आहो ये तो मेरा कमरा है, चल फिर तू दफा हो ना इत्थों, एक मिनट ला फटाफट सामान पैक कर। अब्बा जी नू कॉल कीती किन्ने? ए गल दा तो मैं पता लगा की रहा।
तुमने नाना जी को कॉल क्यों की? एक वो ही है जो अम्मी को काबू में कर सकता है। मैं सारा मामला संभाल तो रहा था, इतनी जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत थी? पप्पू की वजह से। पप्पू की वजह से क्यों? पहले तो मैंने सोचा था दोनों थोड़ा बहुत लड़ेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन अब जिस तरह ये जंग चल रही है ना, मैनू ऐसा लगता है कहीं जो खुशियां पप्पू की जिंदगी में 40 साल बाद आ रही वो वापस ही ना चले जाए। लेकिन तुम्हारे नाना अब्बू उन दोनों की रिलेशनशिप कैसे बहाल करवा सकते हैं? असफर ने मेरा रिश्ता करके। तो क्या तुम असफर को माफ कर दोगी? उसने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की है। हाँ, लेकिन पप्पू ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, क्या मैं उनके होने वाले बेटे की डांट नहीं बर्दाश्त कर सकती? क्या बाबर वो आप मुझे थोड़ी देर घर ले चलेंगे, मुझे अम्मी के कपड़े कुछ चीजें लेकर आनी है। लेकिन हम दोनों अकेले कैसे जा सकते हैं? आपके घर पे तो कोई भी नहीं है ना। हाँ तो क्यों नहीं जा सकते, सबा भाभी से शादी होने वाली और कितनी परेशान है वो, देखो जरा। ले जाओ, मैं हूं ना यहाँ, मैं देख लूंगी सबको। जाओ चले बाबर जी। मैं छोड़कर आता हूँ। ठीक है। By the way, आपकी अम्मी को अनजाना अटैक पहली दफा हुआ? हाँ। कोई खास वजह? वजह तो मुझे मालूम नहीं है, एक फोन कॉल आया था और बस उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। क्या उस कॉल की वजह से? हाँ बात तो हुई थी मेरी और वो तुमसे माफी भी मांगना चाह रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों पप्पू? जब चंदा ही राजी नहीं है तो फिर बात करने का क्या फायदा, और अब तो तुम भी राजी नहीं हो ना शादी के लिए। ओ शबनम की नौकरी जड़ी जा रही सी, ओ खतरा। तो फिर मैं एडवांस लेने आवा? ओहो चाचा तू मुझे माफी दे दे, शबनम के साथ साथ ना तू मेरी भी नौकरी खाएगा। ओ गुड्डू पुत्र तेरी नौकरी है देसी घी दा परोठा। इधर मैं दसो सूफी कितने का? लो जी वो तो पप्पा के साथ अस्पताल गया है। अच्छा तेरी मीसनी पुप्पो अस्पताल चली गई है? चल काल लगा खुशबू को, उसको कह फौरन अभी इसी वक्त कार आए, कोई जरूरत नहीं हसीना के साथ रहने की। अम्मी यार थोड़ा तो ख्याल करें, भाभी भाई बाजी को अपनी सास की तीमारदारी के लिए लेकर गए, अब उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उन्हें, आप भी ना समझती नहीं है। ठीक है तू ऐसा कर, खुशबू को फोन लगा फटाफट कर, उसको कहना हसीना के साथ नहीं बैठना। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। आ जाइए अंदर, आ जाइए ना, रुक क्यों गए आप? आप जाएं सामान लेकर आ जाएं। अरे आप डर क्यों रहे हैं, खा थोड़ी जाऊंगी मैं आपको। ऐसी तो कोई बात नहीं, चलें मैं यहीं पे बैठता हूँ, आप सामान लेकर आ जाएं। कुछ चाय पानी लेंगे आप? नहीं नहीं थैंक यू। चलें आप बैठिए मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं फसीला? पप्पू ठीक है। कहाँ है? अंदर है, अभी आप बैठ जाए, मुझे भी नहीं मिलने दिया, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, सो रही है वो। बाबर भाई और सबा भाभी कहाँ हैं? वो घर से कुछ सामान वगैरह ले लेंगे। अच्छा अच्छा। By the way, आपकी अम्मी को अनजाना अटैक पहली दफा हुआ? हाँ। कोई खास वजह? वजह तो मुझे मालूम नहीं है, एक फोन कॉल आया था और बस उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। क्या उस कॉल की वजह से? शायद। तो आपने पता किया किसकी कॉल थी? कोई रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर? और बात क्यों हुई कॉल पर?
ये तो मुझे नहीं पता, अम्मी को ही पता होगा। आपको उस नंबर पे कॉल बैक करनी चाहिए थी। एक्चुअली उस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो अब कर लें। मैंने अम्मी का मोबाइल ढूंढा है, मुझे मिल नहीं रहा, नंबर उसी में, फिर कर लूंगी। चलें। ओ, सामान ले लिया आपने? जी ले लिया, दो सूट ही लेने थे और छोटी मोटी चीजें ले ली मैंने। चल। पप्पू आपकी कमाल अंकल से बात हुई। किस हवाले से? असफर के हवाले से। हाँ बात तो हुई थी मेरी, और वो तुमसे माफ़ी भी मांगना चाह रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों पप्पू? जब चंदा ही राजी नहीं है तो फिर बात करने का क्या फ़ायदा, और अब तो तुम भी राजी नहीं हो ना शादी के लिए। नहीं, अगर असफर को अपनी गलती का एहसास हो गया तो बात को ख़त्म भी तो किया जा सकता है। यानी तुम्हें असफर से शादी पे कोई एतराज नहीं? पप्पू एतराज होता तो मैं ये रिश्ता ही क्यों कबूल करती? तो फिर आप कमाल अंकल को कॉल करके बता दें। लेकिन चंदा को कौन समझाएगा? अरे बाबर भाई है ना, वो सब संभाल लेंगे, आप बस कॉल मिलाएं उन्हें। अच्छा फिरती हूँ। आपकी पेशेंट जाग गई, आप जाके मिल सकते हैं। फिलहाल एक एक करके जाए, फिर पेशेंट स्टेबल होगी तो सारे मिल सकते हो। ओहो पप्पू ये तो कहती रहती, छोड़े हम दोनों चलते हैं। आते अरे ये तो कमाल हो गया, सारा मसला ही असफर भाई का बैड बिहेवियर था। अगर खुशबू बाजी उन्हें माफ़ कर दें तो मसला ही हल है। ये खबर मैं एनी को सुनाता हूँ। हाँ चाचा। ओ शबनम बता रही थी पुत्र खतरा टल गया है। कौन सा खतरा? ओ शबनम की नौकरी जड़ी जा रही थी, ओ खतरा। तो फिर मैं एडवांस लेने आवा? ओहो चाचा तू मुझे माफी दे दे, शबनम के साथ साथ ना तू मेरी भी नौकरी खाएगा। ओ गुड्डू पुत्र तेरी नौकरी है या देसी घी का परौठा जिन्हू मैं खा जावांगा। जदों दी शबनम दी नौकरी लगी तू ज्यादा नहीं कुड़ 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 मीन 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 करता रहता है? क्योंकि जब से उसकी नौकरी लगी है ना मैं तो खाए लग गया हूं। अच्छा चल मैं बाद में बात करता हूं, अभी जरा मैंने रोटियां और दही भी लेनी है, घर जाके करता हूं बात। ओए पूरी गाली नहीं सुनता है, पता नहीं किस किस्म का बच्चा है। कहा था ना मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी, अगर अभी अम्मी पास होती ना तो ठुकाई हो जानी थी मेरी। अरे यार गुड न्यूज़ है, इसीलिए कॉल के बगैर नहीं रह सका मैं। खुशबू बाजी ने असफर भाई को माफ कर दिया। वाकई? तुम्हें कैसे पता? भाई मेरे सामने बात हो रही थी, खुशबू बाजी ने पप्पू से कहा कि अगर असफर को अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो शादी करने के लिए तैयार है। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, और मुझे कॉल मत करना, मैं खुद कॉल करूंगी, अम्मी आ गई हैं। जी अम्मी। पिछया किथे गाओ कान खजूरा, आज मैं ओदियां लत्ता बना दी। क्या कह रही हैं आप, कौन कान खजूरा, क्या कह रही हैं? मैं आप देख लेनी है। इधर मैं दसो सूफी किथे गए? लो जी वो तो पप्पा के साथ अस्पताल गया है। अच्छा तेरी मीस ने पप्पा अस्पताल चली गई है, हैं? चल काल लगा खुशबू को, उसको कह फौरन अभी इसी वक्त का आ रहा है, कोई जरूरत नहीं हसीना के साथ रहने की। अम्मी यार थोड़ा तो ख्याल करें, बाबू भाई बाजी को अपनी सास की तीमारदारी के लिए लेकर गए, अब उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उन्हें, आप भी ना समझती नहीं है। ठीक है तू ऐसा कर खुशबू को फोन लगा फटाफट कर, उसको कहना कि हसीना के साथ नहीं बैठना। हाँ हाँ कह देती हूँ। गल सुन मैं अपना ना सारा सामान पैक कर लेता है, तू पैकिंग कर लेती है, मैंने पता है कुछ भी नहीं किया होना तू, है ना? चल जा जाके पैकिंग कर। पहले आप घर तो ढूंढ लें, पैकिंग भी हो जाएगी, टेंशन लेती रहती है। ओहो पावे मैंने होटल में आज दी रात कटनी पड़े, समझ आ गई? मैं आज रात नु ही घर छड़ना, तू फौरन चली जाके अपनी पैकिंग कर ले। क्या पैकिंग? जहाँ भी
तुम देखो अगों जबान ही चलानी जाती है। तुम किधर बेटा? आप लोगों के साथ घर जा रहा हूँ। ओहो, ये अकेली है यहाँ पे? जरूरत पड़ सकती है किसी किस्म की। लेकिन आप लोग सुफियान के साथ अकेले बाइक पे कैसे जाएंगे? चले जाएंगे, इसमें परेशानी की क्या बात है? खुशबू समझाओ इन्हें कि नहीं जा सकते। नहीं, खुशबू बाबर के साथ गई है, सुफियान आएगा ना, मैं उसके साथ जाऊंगी। अगर आप कहें तो ड्राइवर आ सकता है मेरा पिक एंड ड्रॉप के लिए। कौन सा ड्राइवर? दानिश अली जाहिद नाम है उसका। नहीं दानिश, फूफो या चाची को पता लगेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। खुशबू जी, फूफो को भी असर होने वाली बात मत बताइएगा। नहीं नहीं पता है। तू ये शोशा अपने ब्लैक मिलर भाई के सामने ना छोड़ देना। कौन सी असर वाली बात की बात करी? ओहो, आपको तो मैंने बताया ही नहीं, खुशबू बाजी ने असर भाई को माफ कर दिया। क्या, ये कब हुआ? तुम्हारे पापा है नहीं, होंगे वो भी शायद। अरे शायद को ना, हम यकीनन बना के रहेंगे। और अगर चाची को पता चल गया तो? क्या पता चला चाची को? ये सब क्या है? बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। सुफियान किधर है बेटा? पप्पू तो बाहर है। अच्छा बेटा, हमें इजाजत देना, हम चलते, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो ज़रूर बता देना। बहुत शुक्रिया आंटी। अरे आंटी ना कहा करो, पप्पो कह लो मुझे, आंटी तो बड़ा फुसफुसा सा लगता है। जी पप्पो। अच्छा भाभी, हम चलते हैं, कल इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तुम किधर बेटा? आप लोगों के साथ घर जा रहा हूँ। ओहो, ये अकेली है यहाँ पे? जरूरत पड़ सकती है किसी किस्म की। लेकिन आप लोग सुफियान के साथ अकेले बाइक पे कैसे जाएंगे? चले जाएंगे, इसमें परेशानी की क्या बात है? खुशबू समझाओ इन्हें कि नहीं जा सकते। अगर मैं बाबर की बजाय आपके साथ गई ना तो उन्हें स्यापा डाल दूंगी। अच्छा बेटा, ये थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, कोई भी जरूरत हो तो बता देना हमें। जी पप्पू, सब कुछ है, आप इन्हें ले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। जी। क्या बात है, आज आपका एनर्जी लेवल कुछ डाउन लग रहा है, सब खैरियत? बस क्या ही बताऊं मैं आपको। अरे बताइए ना प्लीज, जब तक आप बताएंगे नहीं बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो सब भाभी है ना, उनकी अम्मी को हार्ट अटैक आया। ओह, बहुत अफसोस हुआ। तुम गई नहीं? नहीं, खुशबू बाबर के साथ गई है, सुफियान आएगा ना, मैं उसके साथ जाऊंगी। अगर आप कहें तो ड्राइवर आ सकता है मेरा पिक एंड ड्रॉप के लिए। कौन सा ड्राइवर? दानिश अली जाहिद नाम है उसका। नहीं दानिश, फूफो या चाची को पता लगेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। अच्छा, असल बात तो मैं करना भूल ही गया। कौन सी बात? अम्मी अबू चाह रहे थे कि संडे वाले दिन निकाह के बाद वो अपने बहू को यहाँ घर ही ले। शुक से थी? ये अगर आपको एतराज ना हो तो वो पप्पू और चाची से बात कर लें। नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है दानिश, मगर प्लीज आज अंकल और आंटी को मत भेजिएगा। क्यों? मैंने आपको बताया ना, सबा भाभी की अम्मी को हार्ट अटैक आया, सब बहुत डिस्टर्ब है इस वजह से। अच्छा अच्छा, सही। वैसे फोन पर बात हो सकती है। रियली? जी, लेकिन बस फूफो को कॉल करवाइएगा। क्यों, चाची को क्यों? वो चाची अस्पताल में बहुत बिजी है ना, इसलिए। ओह अच्छा, चलो ठीक है, मैं अभी अब्बा से कहता हूँ। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। ओके बाय। बाय।
चलो मैं। खुशबू बाजी, पप्पो को भी असर भाई वाली बात मत बताइएगा। मैंने पता है, तू ये शोशा अपने ब्लैकमेलर भाई के सामने ना छोड़ देना। कौन सी असर वाली बात की बात कर रही? ओहो, आपको तो मैंने बताया ही नहीं, खुशबू बाजी ने असर भाई को माफ कर दिया। क्या, ये कब हुआ? जब आप भाभी को लेके लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए थे। अबे बेवकूफ, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गया था, उसके घर से जरूरी सामान लेना था इसलिए गया था उसके घर पे। अरे एक ही बात है, लॉन्ग ड्राइव करके ही भाभी के घर गए होंगे ना। अबे यार, खैर तू ये बता कि वो हॉस्पिटल आया था उस पर? नहीं, फोन पर। पप्पो ने कहा था खुशबू से फोन करने के लिए? नहीं, खुशबू बाजी ने पप्पो को बताया था कि असफर को अगर अपनी गलती का एहसास हो गया तो माफ किया जा सकता है। अब चले अंदर। खुशबू, बात सुनो। वो सुफियान मुझे बता रहा था कि तुमने असफर को माफ कर दिया। हाँ, कर दिया। मगर क्यों? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा? उसकी गारंटी है हसीना पुपोर कमाल अंकल। वो कैसे, वो इस बात की गारंटी कैसे देंगे? और तुम तो कह रही थी कि अब कुछ भी हो जाए तुम उसके साथ शादी नहीं करोगी। तब तक मैंने पता नहीं था ना कि वो मेरा कजन है। वो तुम्हारा कजन कब से हो गया? जब से कमाल अंकल मेरे फूफा हो गए। तुम्हारे फूफा है नहीं, होंगे, वो भी शायद। और इस शायद को ना हम यकीनन बना के रहेंगे। और अगर चाची को पता चल गया तो? क्या पता चला चाची को? ये सब क्या है? ईशा, मेरे यानी ते खुशबू दे कपड़े ने ते जुतियां ने, होर की है? लो जी, मेरे कपड़े भी पैक कर देते। क्यों, तू नहीं जा रही हमारे साथ? मैंने आपसे कहा तो था कि 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। इस तरह किसी को घर से निकालना ये गैर कानूनी है। ओहो, मैं पिछली गली से ना फ्लैट किराए से ले लेता है। बस हुन मैं नहीं इत्थे रह सकदी, असि उत्थे शिफ्ट हो रहे हैं। 60 दिन दे बाद असि अपने घर शिफ्ट हो जावांगे। ऐसी कौन सी मुसीबत पै गई है? क्या आप 2 महीने यहाँ नहीं रुक सकते? ओ, बड़ी मुसीबत पै गई है। किसे बगैर चवल ने ना अब्बा जी नु कॉल करके ना ते मेरी शिकायत ला दीती है। बस ते इस तो पहले के वो इत्थे आन, मैंने मजबूर करन इस घर च रहन वास्ते, मैं घर छड़ के फटाफट चली जावांगी। बहुत बुरी बात है अम्मी, इस तरह किसी को बगैरत तो नहीं कहते। वैसे नाना बहुत गुस्सा हो रहे थे। ले, गुस्सा हो रहे थे? ओए, उन्होंने तो मेरी चंगी भली बिस्ती की है। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि आप अपना घर छोड़ के किराए के फ्लैट में मूव हो रही हैं, तो बहुत गुस्से हो जाएंगे। ओहो, असि ते घर छड़ के चले जावांगे ना, जदों तक उन्होंने पता चलेगा उदों दी उदों वेखी जाएगी। आहो चल खुशबू, फटाफट एनी तेशा नु बुला। ओहो अम्मी जी, दिन तो चढ़ने दे। ओ नहीं नहीं, हुन मैं इस घर च ना 1 मिनट भी नहीं रह सकती, 1 मिनट भी नहीं। लेकिन आप तो मुझे कह रही थी कि मैं तो दिन दिहाड़े सीना तान के डंके की चोट पे घर छोड़ के जाऊंगी, अब क्या हुआ? वैसे भी अम्मी जी, बाबर ने वापस अस्पताल जाना है। हां हाय, ले हुने ते आया अस्पतालों, फिर जाना है तो मैं किसके नाल आती? पप्पू के नाल आ जाती। तू आंदी पप्पू के साथ, फिर बेस्ती में तेरी टांगे ना तोड़ देती तो। आहो, इसलिए तो बाबर के साथ आई हूँ, वापस जाएगा। चल ठीक है, ते नाले मैं एक गल कह देती है, सुबह ना मैं किसी दी इक भी नहीं मनांगी। आहो, ते नाले ऐसा सामान कोई ना खोले, कह देता है मैं रात सोने वाले कपड़े निकाल। आहो काट ले। काम करो, गुड्डू से कहो सामान इधर उधर कर दे। बच गई हो तुम। गुड्डू, ओ गुड्डू, किथे मर गया गुड्डू भाई? गुड्डू जल्दी से छत पर आओ। अच्छा आता हूँ, लेकिन रास्ते में जो चेक पोस्ट लगा है उसको कैसे क्रॉस करूँ? ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं, जल्दी आओ। भाई तुम्हारी सास को जब से हार्ट अटैक हुआ है ना, बेचारी डर सी गई है। वो चाह रही है कि सबा के निकाह के साथ ही रुखसती भी कर दें।
लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट है। पोस्टपोन ही होगा निकाह? नहीं, निकाह तो इसी संडे को होगा। इतवार की सुबह तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी, तो कैसे होगा निकाह? तो हम कौन सा फजर पे निकाह कर रहे हैं, निकाह तो हम रात को करेंगे। हाँ, लेकिन लड़की वालों के हजार काम होते हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे ये सब? तो ईशा की आवाज है ना, मुझे लगता है वो चच्ची कैसे चढ़ गई है। सुफियान, आवाज घर के बाहर से आ रही है। हाँ तो रही है वैसे। कोई है तेरा? पप्पा, पप्पा कुछ लोग ईशा को अगवा करके ले जा रहे। क्या? हाँ हाँ छोड़ देंगे एक ऑपरेशन करने के बाद। हार्ट अटैक तो आंटी फजीला को आया है, पर मुझे तो छोड़ दो, मुझे नहीं करवाना। अरे दिल का थोड़ी, गुर्दों का। मुझे नहीं पता करवाना गुर्दों का, नहीं नहीं बहुत दर्द होता है। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। हेलो, कहाँ पे हो? मैं कमरे में। जल्दी से छत पर आओ। अच्छा आता हूँ, लेकिन रास्ते में जो चेक पोस्ट लगा है उसको कैसे क्रॉस करूँ? ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं, जल्दी आओ। अच्छा कुछ करता हूँ मैं, देखो अगर जिंदा बच गया तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ खाने तो दूँ। बुद्धू खाने ही तो लेकर आई, जल्दी आओ मुझे भी खाना है। ओके ओके आ रहा हूँ। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ बस हॉस्पिटल जाने की तैयारी। अबे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोले भाई, तुम्हारी सास को जब से हार्ट अटैक हुआ है ना, बेचारी डर सी गई है। वो चाह रही है कि सबा के निकाह के साथ ही रुखसती भी कर दें। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट है। पोस्टपोन ही होगा निकाह? नहीं, निकाह तो इसी संडे को होगा। इतवार की सुबह तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी, तो कैसे होगा निकाह? तो हम कौन सा फजर पे निकाह कर रहे हैं, निकाह तो हम रात को करेंगे। हाँ लेकिन लड़की वालों के हजार काम होते हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे ये सब? अरे भाई हमारे घर में से कोई ना कोई अस्पताल जाके रुक जाया करेगा, तुम सबा के साथ जाके शॉपिंग कर लेना, जेस तो हमें वैसे ही नहीं लेना। तो हमारे घर में काम नहीं होंगे, 100 काम होते हैं घर में। आप फिक्र मत करें, सब कुछ हो जाएगा। और वैसे भी फजीला की आखिरी ख्वाहिश यही है कि सब जल्द से जल्द रुखसत होकर हमारे घर आ जाए। क्या उनकी भी आखिरी ख्वाहिश है कोई? तो और किसकी ख्वाहिश है? उनके अलावा और किसकी ख्वाहिश हो सकती है? अच्छा चलो चल के जरा काम कराओ मुझसे। लो जी, अब मेरी होने वाली सास की भी आखिरी ख्वाहिश है। मुझे लगता है मैं दुनिया में ना लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने आया हूँ। एक काम करता हूँ, अखबार में इश्तिहार देता हूँ कि जिसको भी अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है मुझसे रब्ता करें, ठीक है? अरे उस्ताद, आज तो माल खुद ही आ गया अपने पास। बाबर भाई, बाबर भाई। हाँ हाँ बोलो। आप सुबह आएंगे ना? नहीं, रात को देर से आऊंगा। क्यों? मैं तो सो जाऊंगी। तो आज आपने पॉकेट मनी भी नहीं दी थी, पॉकेट मनी दे दें। ओके अच्छे से संभालूंगी आज तो। ये लो सारी रखो, ठीक है? थैंक यू बबर भाई। ओके बाय बाय। तो अच्छे मर गए। थैंक यू यार हनी, तुमने मुझे खाना खिला दिया। अच्छा अच्छा अब ज्यादा मस्का मत लगाओ। चोरा! ये तो ईशा की आवाज है ना, मुझे लगता है वो चच्ची कैसे चढ़ गई है। सुफियान, आवाज घर के बाहर से आ रही है। हाँ तो रही है वैसे। कोई है?
पप्पा कुछ लोग ईशा को अगवा करके ले जा रहे। क्या? चोरा चोरा बन रहा है। अरे पप्पा कुछ लोग ईशा को अगवा करके लेकर जा रहे उधर उधर। अलीजा बाजी, अम्मी अलीजा बाजी, खुशबू बाजी। अम्मी अखा खोलो, अम्मी अखा खोलो, जल्दी ले आओ। चाची, अम्मी, अम्मी जी, अम्मी झूठो, अम्मी, अम्मी जी। कहाँ लेके जा रहे? अंकल आप मेरे पैसे ले ले। पर मुझे छोड़ दे प्लीज। चुप। अंकल प्लीज छोड़ दे। हाँ हाँ छोड़ देंगे एक ऑपरेशन करने के बाद। हार्ट अटैक तो आंटी फसीला को आया है, पर मुझे तो छोड़ दे, मुझे नहीं करवाना। अरे दिल का थोड़ी, गुर्दों का। मुझे नहीं पर करवाना, गुर्दों का नहीं नहीं, बहुत दर्द होता है। अच्छा अच्छा बस चुप करके बैठो, ये जो अंकल बैठे है ना उनको गुस्सा आ गया ना तो उर्दू के साथ जबान भी निकाल लेंगे। चुप, मुझे छोटे बच्चों का शोर देखो पसंद नहीं। सुना नहीं उसने क्या कहा? जरा शोर करोगी ना तो जबान काट दूंगा मैं। सुफियान भाई, चुप कर, बैठ में कह रहा हूँ, देखो यही पर गला टपा के मार डालूंगा तुम्हें। चुप चुप, आराम से बैठ। आज तो दिहाड़ी पक्की है। तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं। सुफियान भाई, बाबर भाई, और चेक करो गाड़ी। सुफियान भाई, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। कि मैं हौसला करा है, मैं दस की मैं हौसला करा कि मैं सांबा अपनो अपनो, पता नहीं मेरी ती कितने होएगी, कितना हाला में जोएगी। अल्लाह करे मरन काफर, अल्लाह करे उन्होंने किसे दिया ही आवे। हाँ खुशबू बोलो, क्या कैसे? अच्छा सही है, मैं आ रहा हूँ फौरन आ रहा हूँ। ओके क्या मगर कैसे? अच्छा सुनो, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ मैं आ जाऊं। बाबर भाई सब कुछ इतना अचानक हो के पता नहीं चला, और हम दोनों तो भाग के गए भी थे उनके पीछे। चौराहे तक भाग के गए थे, बाइक पे क्यों नहीं गए? उस पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और वैसे भी पुप्पो गई है उनके पीछे। क्या पुप्पो भी गई है? भाई आपने तो कहा था कि एक दो बच्चे, मगर ये तो बच्चे दो हो या दस, तुम सिर्फ अपना काम करो, वरना अंजाम जानते हो, तुम्हारी बीवी और बच्ची की जिंदगी मेरी एक इशारे की मोहताज है। बाबर भाई यही वो गाड़ी है। पप्पू की लोकेशन भी यहीं की आ रही है। जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, जिन
जिंदगी के खेल में मोहब्बतों की रेल में सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर किसको पाना किसको खोना छोड़ो ये सब रोना धोना देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया बाबू की दुल्हनिया बाबू की दुल्हनिया बाबू की दुल्हनिया बाबू की दुल्हनिया